यार करण, ये अपना रुपी दिन पर दिन गिरता हुआ क्यों जा रहा है? देख, इस वक्त इंडिया का ट्रेड डेफिसिट काफी बढ़ता हुआ जा रहा है। इंडिया का जून 2022 का ट्रेड डेफिसिट 126% से इंक्रीज हो गया है, एंड इस वक्त इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 26.1 बिलियन डॉलर पे है। ओके 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 मतलब इंडिया से बहुत सारा पैसा बाहर जाने वाला है, एंड इस वजह से रुपीस वीक होता हुआ जा रहा है। अच्छा तो देख, इस वक्त इंडिया का एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है, बट एक्सपोर्ट से ज्यादा क्या हो रहा है कि इंडिया का इंपोर्ट बढ़ जा रहा है, वेरी बैड। तो वो काफी नेगेटिव फैक्टर है। ओ तो इस वक्त चार मेजर फैक्टर है जो कि रुपी को वीक बना रहा है, एंड डॉलर उसकी वजह से महंगा होता हुआ जा रहा है। पहला कारण तो ये है, जो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ जा रहा है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, एंड क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो वहां पे कंजम्पशन कम हो रहा है, एंड जब यूएसए में कंजम्पशन कम होगा तो ऑब्वियसली वहां पे इंपोर्ट कम होगा, एंड इंडिया जैसे कंट्री का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया कई सारा चीज यूएस को एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि गारमेंट्स हो गया, मेटल्स हो गया, प्रेशियस स्टोन्स हो गया, या तो स्पाइसेस हो गया, स्नैक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, तो कई सारी चीज इंडिया से एक्सपोर्ट होता है यूएस को। तो यहाँ पे जब इंडिया का एक्सपोर्ट कट हो जाएगा तो ऑब्वियसली रुपी वीक हो जाएगा। दूसरा मेजर कारण, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs इंडिया से काफी सारा पैसा विड्रॉ करने लग रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनको हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उनके डिपॉजिट्स में। तो उस वजह से जब इंडिया से फंड विड्रॉ हो रहा है तो रुपी वीक होता हुआ जाएगा। तीसरा बड़ा कारण, क्रूड ऑयल काफी महंगा हो चुका है, उसके वजह से इंडिया का बहुत सारा करेंसी बाहर जा रहा है, वेरी बैड। क्योंकि इंडिया हेवीली क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्राइसेस गिरने लगा है क्रूड ऑयल का, तो हो सकता है आने वाले 2-3 महीने में हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिले। तो नाइस। एंड चौथा बड़ा कारण ये है कि गोल्ड का प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा गिर रहा है, एंड क्योंकि गोल्ड का प्राइस गिर रहा है तो इंडिया हेवीली गोल्ड को इम्पोर्ट करने लगा है, क्योंकि उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है बाय करने का, एंड क्योंकि इंडिया गोल्ड को हेवीली इम्पोर्ट कर रहा है तो इंडिया का बहुत सारा करेंसी बाहर जा रहा है, एंड रुपी वीक होता हुआ जा रहा है। तो ये चार मेजर कारण हैं जिसकी वजह से इस वक्त रुपी वीक हो रहा है, एंड हमें डॉलर महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। तो गवर्नमेंट इस वक्त कुछ कुछ स्टेप्स ले रही हैं ताकि वो रुपी को संभाल सके, उसको और वीक होने से रोके। तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या क्या और नया स्टेप्स लेती है, क्या क्या नया नियम कानून के साथ आती है। तो हो सकता है कि गोल्ड का इंपोर्ट में थोड़ा सा कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए, या तो और भी कुछ कुछ हो सकता है। तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेती है अपनी इकोनॉमी का हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ओके 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 तो उम्मीद करता हूँ तेरे को इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि क्यों इंडियन रुपी वीक होता हुआ जा रहा है एंड डॉलर महंगा होता हुआ जा रहा है। काफी बढ़िया इंफॉर्मेशन था। तो अगर तेरे को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चल, चलता हूँ, बाय। ओहो अच्छा।